छत्तीसगढ़ में वैसे तो स्वाद के दीवानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ के खाने पीने की चीजें ही नहीं, दूसरे राज्यों के फेमस आइटम भी मिलता है। जैसा फाफड़ा जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, इसका मजा आप राजधानी रायपुर में ले सकते हैं। राजधानी रायपुर में एक ऐसी दुकान है जहां गुजराती व्यंजन मिलते हैं, इसे आप मिनी गुजरात भी कहें तो उस पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार की गुजराती व्यंजन की वैरायटी मिलती है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। लोगों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुजरात का नया स्वाद चखने के लिए मिल रहा है, जिसके चलते लोगों की यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है। राजधानी के बूढ़ापारा स्थित नए सपने गार्डन के ठीक सामने श्री सिद्धि विनायक नमकीन की दुकान है, जहाँ गुजराती फाफड़ा और गुजराती नमकीन मिलता है। खासकर यहाँ फाफड़ा, जैन समोसा, कचौरी एवं खमन ढोकला की डिमांड ज्यादा रहती है। वैसे तो फाफड़ा जलेबी का कोई तोड़ नहीं है, फाफड़ा जलेबी की डिमांड इतनी है कि हाथों हाथ बिक जाती है। दुकान के संचालक नितिन सेठ ने बताया कि वे गुजरात के रहने वाले हैं। रायपुर के बूढ़ापारा में नए सप्रे गार्डन के सामने गुजराती नमकीन की दुकान लगाते हैं। उनके यहाँ खाखरा की भी कई वेरायटी है, मसाला खाखरा के अलावा अगर इसकी अगर बात की जाए तो जीरा खाखरा उनके यहाँ फेमस है, पेरी पेरी जैसे खाखरा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ जैन समोसा भी मिलता है। जैन समोसा की खासियत यह है कि उसमें आलू की जगह केला रहता है। इसके अलावा गुजरात नमकीन की कचौरी, कचौरी के साथ में दी जाती है हरी मिर्ची तली हुई की, उसको भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। फाफड़ा का दाम काफ़ी रिजनेबल है, एक पाव 100 रुपये में मिलता है। वहीं एक प्लेट आप यहाँ फाफड़ा खाते हैं उसको मात्र आपको 20 रुपये में मिलता है। दुकान सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलती है। डेली शाम को फाफड़ा बनता है। गर्मा गर्म फाफड़ा खाना आप चाहते हैं तो शाम के समय में इस दुकान में जरूर विजिट कर सकते हैं। वहीं शनिवार और रविवार को सुबह फाफड़ा बनाया जाता है। यहाँ बालोद, धमतरी, बिलासपुर जैसे आसपास के जिले के लोग फाफड़ा जलेबी के लिए इस दुकान को ढूंढते हुए आते हैं। आगे दुकान के संचालक नितिन सेठ क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अपना गुजराती नमकीन, टोटल गुजराती नमकीन, फाफड़ा, जलेबी, खाखरा, चापोली, गुजराती मिक्सचर और खास करके जैन समोसा बनाते हैं। जैन समोसा थोड़ा यूनिक लग रहा है, वो कैसे बनता है, वो तैयार कैसे? जैन समोसा केले का बनता है, केले का, आलू की जगह केला रहता है। और अगर यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बिकने वाले अगर डिश की बात किया तो कौन सी चीज़? ये अपना फाफड़ा, जलेबी, समोसा, कचौरी सब रखते हैं। जलेबी खमन ढोकला अभी जलेबी सभी रहता है। और फाफड़ा के क्या रेट क्या है, कितने ग्राम में कितने रुपए का मिलता है? एक पाव का रहता है 100 रुपये पैकेट रहता है, 1 किलो का 400 है और 20 रुपये प्लेट है, एक प्लेट 20 रुपये। और दुकान खुलने का समय क्या है, लोग कितने टाइम आएंगे तो उनको बढ़िया? सुबह 8:30 बजे और रात को 10 बजे। शाम को पापड़ा बनता है डेली और सैटरडे संडे मॉर्निंग में। इसलिए तो आएंगे कस्टमर खाएंगे उनको इसलिए लगेगा, सब यूनिक भी रहेगा। ढोकला है, समोसा है, कचौरी है, सब नाश्ता अवेलेबल है। छत्तीसगढ़ के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं आइटम को लेकर? आपको फाफड़े का तो कस्टमर ऐसे है कि लगभग आजू बाजू का पूरे एरिया वाले आते हैं, जो एक बार टेस्ट करके गए ना तो नहीं भैया वहीं से लाना। बाकायदा कल बालोद से आए थे, बालोद से फाफड़ा लेने आए थे, दुकान का फोटो दिखाया, भाई यही दुकान, हाँ भैया यहीं से लाना। और इसके अलावा अगर बात करें तो और कहाँ कहाँ से आपके दूर दूर के कस्टमर यहाँ आते हैं? पूरा आजू बाजू पूरा है, धमतरी है, यहाँ से बिलासपुर विधायक जी भी है, वो भी यहाँ कभी कभी आ जाते हैं, रायपुर को यहीं से लेके जाते हैं। पापड़ी, फाफड़ा, फरारी चूड़ा, आलू चिप्स, उनको बहुत अच्छा लगा, वो यहीं से लेके जाते हैं।